नमस्कार दोस्तों, टोटल खबरी चैनल पर आपका स्वागत है। पुलिस का काम वैसे तो अपराधी को पकड़ना और उसे सजा दिलवाना होता है, मगर राजस्थान से एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें पुलिस ही अपराधी को बचाने का रास्ता बता रही है। चलिए आपको वायरल वीडियो की पूरी कहानी बता देता हूँ। नुपुर शर्मा ने एक डिबेट में मुस्लिम धर्म और पैगम्बर मोहम्मद के बारे में टिप्पणी की। उसके बाद से नुपुर शर्मा की हर जगह पर आलोचना हो रही है और उसे गिरफ्तार करने की मांग भी हो रही है। लेकिन कई लोग हैं जो कि नुपुर शर्मा से सहमत है और उसके समर्थन में सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं। अब देश में जगह जगह पर नुपुर शर्मा का समर्थन करने वाले लोगों को धमकियां मिल रही है और कई जगह पर उनकी पिटाई भी हो रही है। यहां तक कि उदयपुर में एक व्यक्ति की गला काटकर दिन दहाड़े हत्या कर दी गई और उसका वीडियो भी बनाया गया। जब उदयपुर की घटना लोगों के सामने आई तो उसके बाद से ऐसे कई जगह पर नुपुर शर्मा का समर्थन करने वाले लोगों की हत्या की बातें सामने आ रही है। कई ऐसे वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं जिसमें खुलेआम नुपुर शर्मा का समर्थन करने वाले लोगों का गला काटने की धमकी दी जा रही है। ऐसे में अब देश भर में इन हत्याओं का विरोध और नुपुर शर्मा का समर्थन करने वालों को धमकी देने वालों पर कार्रवाई की जा रही है। सोशल मीडिया पर अजमेर दरगाह के खादिम सलमान चिश्ती उर्फ सलमान कालिया का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में सलमान चिश्ती नुपुर शर्मा का गला काटकर लाने वाले को इनाम में अपना घर देने की घोषणा करता है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद दरगाह थाना पुलिस में एक स्थानीय व्यक्ति की शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया। जब सलमान चिश्ती को इस मुकदमे के बारे में पता चला तो वह अपना फोन बंद करके फरार हो गया। हालांकि दरगाह थाना पुलिस ने अजमेर विशेष पुलिस टीम की मदद से उसे गिरफ्तार कर दिया। जब सलमान चिश्ती की गिरफ्तारी हुई तो उसके बाद पुलिस के साथ उसका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें पुलिस ही उसे बचने का रास्ता बता रही है। वायरल वीडियो में पुलिसकर्मी सलमान को यह कहता हुआ सुनाई दे रहा है कि वो दूसरे पुलिसकर्मियों को यह कहे कि वो नशे की हालत में है ताकि उसे बचाया जा सके। इसके बाद राजस्थान पुलिस उससे पूछती है कि कौन से नशे में था जब वीडियो बनाया। इसके जवाब में चिश्ती कहता है कि वो कोई नशा नहीं करता और फिर पुलिस उसे कहती है कि बोल नशे में था। अब वीडियो के सामने आते ही राजस्थान में एक नया बवाल खड़ा हो गया है। जहां बीजेपी ने इस मामले को लेकर कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है, वहीं आम जनता भी सोशल मीडिया पर पुलिस की काफी आलोचना कर रही है। आपको बता दूं कि अदालत ने सलमान को 2 दिन की रिमांड पर पुलिस को सौंप दिया है। तो मित्रों, अब इस वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में।